हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम तीन तरीके की चटनी बनाने वाले हैं। पहले कच्चे आम की चटनी, दूसरी साउथ में फेमस टमाटो पचड़ी और तीसरी हरे धनिया की चटनी। सबसे पहले हम कच्चे आम की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने कच्चा आम लिया है जिसे हमने छीलकर काट लिया है। अब उसको मिक्सी जार में डाल लेंगे। अब इसमें एक कटा हुआ प्याज, दो से तीन सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा, चार से पांच लहसुन की कलियां, एक चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब हम इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा पतला ग्राइंड नहीं करना, हल्का थिक ही ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड हो गया है, अब इसको खोलकर देख लेंगे। देखिए हल्का थिक ही है, हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है। हम इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। ये चटनी बनकर तैयार है, अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। कच्चे आम की चटनी तो बन गई है, अब हम टमाटर पचड़ी बनाएंगे। ये यूजुअली साउथ साइड में बनाई जाती है। इसके लिए एक पैन गरम करेंगे और उसमें दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें आधी चम्मच मेथी दाना, आधी चम्मच साबुत धनिया और तीन से चार कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब इसमें चार से पांच लहसुन की कलियां और दो से तीन कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया डालकर चला लेंगे। इन सभी को अच्छे से पकने देंगे। देखिए ये सब पक चुका है, टमाटर मैश हो रहा है। हमें टमाटर को ज़्यादा मैश होने तक पकाना नहीं है। जब टमाटर हल्का मैश होने लगे तब तक ही हमें उसे पकाना है और फिर गैस बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये हल्का ठंडा हो गया है, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे।
हमें इसे पतला ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड हो चुका है। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए तड़के पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। टमाटर पचड़ी भी बन चुकी है। अब हम हरा धनिया की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ हरा धनिया लेंगे और उसको मिक्सर में डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चुटकी भर हींग डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सभी को ग्राइंड कर लेंगे। हम इसको एकदम पतला ग्राइंड करेंगे। एक ग्राइंड हो चुका है। अब इसको खोलकर देख लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से ग्राइंड हुआ है। अगर आपको ग्राइंड करते समय थोड़ा गाढ़ा लगे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डालकर इसे दोबारा से ग्राइंड कर सकते हैं। ये चटनी बनकर भी तैयार है। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। तीनों चटनियां बनकर तैयार है। कच्चे आम की चटनी, आप इसको पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। टमाटर पचड़ी जो यूजुअली साउथ में बनाई जाती है, आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ काफी स्वादिष्ट लगती है। और तीसरे हरा धनिया की चटनी, आप इसको पकौड़े, आलू पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। कच्चे आम की चटनी और हरे धनिया की चटनी आप पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये टमाटर पचड़ी चावल के साथ काफी टेस्टी लगती है। ये आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।